हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर रेगुलर जॉब अपडेट्स लेकर आता हूं। तो आइए आज फिर से एक नई जॉब के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आगे हम कंपनी के वेबसाइट पे, कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। दोस्तों, ये जो कंपनी है ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, इसको मेरा बताने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता होगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, तो आपने टाटा का नाम जरूर सुना होगा। इंडिया में रहते हैं तो आप डेली जो इसका जो प्रोडक्ट है, आप इतने सारे प्रोडक्ट है आप इनका यूज करते होंगे टाटा का। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि टाटा कंपनी जो है एक गवर्नमेंट जॉब की तरह है। दोस्तों, ये जो अपनी कंपनी को एम्प्लॉय को जो है कभी निकालती नहीं है। इसमें अगर आपको जॉब लगे तो बहुत ही अच्छी लाइफ है, बहुत अब सिक्योर जॉब है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा वैकेंसी आया है दोस्तों, एक दो वैकेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप। तो इसमें आपको क्या करना है, परसों तक इसमें वैकेंसी नहीं था, परसों शाम में इसको अपडेट किया हुआ है वेबसाइट को, परसों सिर्फ दो वैकेंसी दिखा रहा था, दो जॉब के बारे में। लेकिन इसमें मल्टीपल जॉब है दोस्तों, आप किसी भी फील्ड से है सिविल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसका, तो आप इस पे आ सकते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसको जाके आप सिविल इंजीनियर, तो आप सिविल को सिलेक्ट करना है, या सिविल आगे आपको शो ऑल पे कर देना है, ठीक है। जैसे करेंगे देखिए, अब सिविल का जितना भी जॉब था वो सभी, नहीं एक सेकंड, हाँ सभी आ गया सिलेक्ट होके, ठीक है, सभी सिविल वाला जॉब सिलेक्ट होके आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या देखिए, अब इसमें बहुत सारे जॉब है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक्सपीरियंस लेवल जो है 1 साल से लेकर 15 साल तक के लिए है, ठीक है। 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए सभी प्रोफाइल में है, चाहे वो साइट, देखिए साइट इंजीनियर का हो गया, आपको स्ट्रक्चर में हो गया, देखिए आपको QA QC में हो गया, MEP में हो गया, कास्टिंग यार्ड में जो है उसके लिए हो गया, आपको देखिए क्वालिटी में हो गया, उसके बाद देखिए MEP एक्सपर्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कैड ड्राफ्टमैन, कैड इंजीनियर, BIM का हो गया दोस्तों। मतलब जितना भी सिविल का जो प्रोफाइल होता है, मतलब साइट इंजीनियर से लेकर कैड इंजीनियर का, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का, देखिए स्ट्रक्चरल में 1 साल से लेकर जियो टेक्निकल इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर का, देखिए यहाँ पे आर्किटेक्ट का है, MEP का है, BIM का है, देखिए ठीक है। उसके बाद देखिए डिजाइन इंजीनियर का है, ड्राफ्टमैन का है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का है, MEP एक्सपर्ट का है, जियोटेक का है, ठीक है, जितना भी मॉडलर का है, उसी तरह जितना भी मतलब सिविल का मोस्ट ऑलमोस्ट, देखिए साइट इंजीनियर है, ठीक है। तो जितना भी कम होता है ना सिविल का, उसमें सब है। तो दोस्तों, आप मेरे ख्याल से आप इस पे आइए और इस पे अप्लाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या होगा ना, यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई, मैं एक ले लेता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये मॉडलर का ले लिया, ठीक है, BIM इंजीनियर मॉडलर, इस पे मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए खुल के आ गया। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जाके अप्लाई फॉर दिस पोजीशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सभी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो वगैरह है तो नहीं है तो मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पोर्टफोलियो पे वीडियो बना कर रखा है, और कवर लेटर के साथ आप अप्लाई कीजिए। इसका वॉक इन भी है तो उसमें आप जा सकते हैं डायरेक्ट, और या फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ से आपको मेल आएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेम्बर, टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।